खराब हो गए थे असम में कितना दिन रखा है भाई? अभी तबियत पानी अच्छा है ना? तबियत पानी अच्छा है? नीचे कर
Selamat datang, Bay. Bay, halam dulu. Naik mila kira-kira. Hah? Mereka kira, gari aja nih, Nabi. Ya, paksa dia kira-kira. Kira-kira. You speak English? Oh, you speak English? How are you feeling? कैसा लग रहा है? तकलीफ नहीं हो रही? चांद को भगा दिया क्या? नहीं उधर मायने में हमारा चांद उसके ऊपर चांद नहीं बाहर वाले का चांद तुम्हारा देखो क्या बाहर वाले आज राजू गुस्से में है तू यार आज तो गुस्से में है गुस्से में नहीं गिराक नहीं लग रहा है लगता है ऐसा थोड़ी कभी जाना मिल जाता से घंटे में 200 रुपए बन जाते कभी नहीं तो एक घंटा एक बॉस का एक धंधे का कोई भरोसा है I'm going to go to the hospital.
का नहीं आ रहा। बैठो आवाज़ दे रहा बुला रहा तो आएगा बेटा ये लो आप सब ले लो साथ बेटा।
बाल कभी कल काटा? हाँ, दाढ़ी सही नहीं बना है। चलता है घर पे बना, बुढ़ा है, बुढ़ा आदमी है यार, तो अंदर बहुत खुशी है। इसके कान में बहुत खुजली है, इसे कब साबुन कर लीजिए, मैं जाता हूँ साबुन कर लीजिए। अंदर जा रहे हो, पैसा कौन देता है? वो कंट्री वाले देते हैं ना, रोज वही कचरा साफ करते, बाकी कोई नहीं करता। वो क्या करते कचरा? तो बाहर निकल के उधर तो जमा करते हैं एक जगह। सामने कैमरा बना रहे हो? चलो मैं वो काबू तुम्हारे घर पे। मैं वीडियो ले रहा हूँ, अब पेन दो ना, लिख के देता हूँ।
तेल वेल डाल देना
नहीं आ रहा उसका नेट में, थोड़ा दिखाओ उसको। अभी डाला नहीं है तो दिखाएगा कैसे? डाला ना, घर पे जाके डालेगा। बताओ सर। हाँ नहीं आएगा ना, वो यूट्यूब पे जाइए ना। हाँ यूट्यूब में है ना, अभी अभी थोड़ी आएगा, मैं जब डालूंगा तब आएगा ना, अभी डाला नहीं है मैंने। हाँ अभी वो भी वही आएगा बाद में। चंदू को कहे को नहीं बोला? चंदू गांव में आप दिखते ना। अच्छा बहुत ईयर्स अ बैड है इसका, कान में बहुत है इनके कान में। लगाओ लाल दवा। हाँ लगा दिया। समय दे दिया। समय दे दिया। वीडियो लगा। होने के बाद? हाँ। एक बार दो पांच में समय देता है। हो गया।
Thank you.
दोनों का तुम्हारा भाई किधर गया चंदू हसन माहिम में है क्या माहिम मुल्क में मेरा माहिम छोड़ दिया क्यों चंदू हाँ छोड़ दिया भाई को हम दिखा नहीं पड़ रहा हाँ कहीं दिखे नहीं और कासिम का क्या हाल है कासिम आ रहा है जानिब का क्या है वो तुम्हारी बेटी का शादी था ना हो गई ना वो अच्छा वाला है तो मलाड में रहता है कल तीन बार तो आपका ही साथ में था ना वो
कर रहा है, साफ कर रहा है। वो चंदू का क्या हो गया? तो ये गांव में हम दिखते नहीं ना भाई। क्या हुआ क्या? तुम्हारा है अभी क्या? तुम्हारा गुरु है ना यार? तुम्हारा गुरु नहीं है क्या? तुम्हारा गुरु है ना? क्या करेगा? उसको संभालना मांगता ना तुमको? है ना उसका बाल बच्चा सब है। और तुम भी तो उसका बाल बच्चा है ना एक तरह से। ए जाओ बच्चे जाओ जाओ चलो मच्छी पकड़ो जाओ। कल कितने बजे गया था तू? कल हाँ झंडा नहीं था कितने बजे गया? तो कितना बना? कुछ नहीं 100 रुपये हो गया था। क्या माँ छोड़ रहे बस 100 रुपये में क्या होने वाला है? खराब होगा घर पे जाकर दारू पिया जाकर? अरे छोड़ यार तेरे को मैं जानता हूँ बेटा, तेरे को मैं जानता हूँ। अभी सच बता तेरे को जानते जानते कितना साल हो गया मेरे को? 30 साल के ऊपर हो गए। कहाँ जा रहा है? ब्याज पे देता है क्या पैसा? पैसा ब्याज पे देता है? हाँ ब्याज पे देता है। छुट्टा नहीं तो छुट्टा ले देना पड़ता है ना भाई। तो सारा तू कासिम को भी भगा दिया है? किसको? कासिम को।
काशी में आएगा अभी। अच्छा तो ये मैंने क्या है उन लोग को अभी जैरिम बनाते हैं ना गाँव में दस दो रुपये रुपये बोलते जा बेटा जाओ जाओ मच्छी पकड़ो गर्दन फंस जाएगी उधर नहीं कभी आपको नहीं मालूम कभी कुछ नहीं बता तेरे बच्चे लोग कौन से क्लास पे काम करते उतना नहीं पड़े थोड़ा पड़े। अच्छा कितना क्या काम करता है जिम ट्रेनर है। अच्छा हाँ जिम सीखा बॉडी बिल्डर है तो तू बॉडी बिल्डर क्यों नहीं बना मैं ऐसा ही है काम करेगा। उसका उम्र कितना है 19 किसका तेरे बेटे का 26 एड्रेस नहीं लिखा था इसमें इसमें लिखा ना हाँ वो फेंक देगा ना फेंक देना नहीं तो तू गलती दे दे मैं फेंक देता हूँ तो गड़बड़ हो जाता है ना फिर परसों टिकट मिलता ही बैठे बैठे दिमाग चला दे रहा एड्रेस
इधर रहते थे? किधर रहते हैं? बांद्रा, बांद्रा नगर। अच्छा अच्छा, क्या करता है? क्या काम करता है? किधर? बांद्रा में। देखते से बहुत कचरा भरे ले तो बोलता अभी साफ किया मैंने। इनके पास ही गया था बीच में, कभी बीच में साफ किया था, फिर भर गया। ज़्यादा है। हेलो,
And this is Sheikh Babu. Yes. Sheikh Babu. From Gulbarga, Karnataka. And this young boy, I paid for his ear cleaning because I needed someone to sit with Sheikh Mehboob Sahab, and I wanted to document the ear cleaning process. And this is an amazing, intricate process as such. Yes, yes. I'm very grateful to you, young man. Thank you very much. God bless you. So after almost 2 months, or maybe more, I come to with Allah and having my ears cleaned by Nabi. I just took a chance. I wasn't sure he'll be here. It's about 6:30 now. Good evening.
नबी किधर गया? गाँव गए ना। और वो महबूब? वो भी गाँव में। अच्छा, हम लोग भी जा रहे हैं। सब तुम्हारा पीछे अड्डा बना दिया क्या? सब औरत लोग छोड़े ला है। गलत है। वीडियो चल रहा है, सुन आगे बढ़िए। वीडियो चल रहा है मेरा, आगे बढ़िए ना। नहीं मला माहिती आहे तुम्ही कसं आहे, बरं आहे ना? हां बरं आहे। जय महाराष्ट्र। Thank you.
धंधा नहीं हुआ क्या? क्या बात कर रहे हैं? दिक्कत से बैठ बैठ कंटल है घर में, अभी थोड़ा कम जाएगा जब 2-3 दिन। हाँ, जो 4 घंटा ऐसे बैठा था, फिर 200-250 रुपये धंधा होता है। कितना? 200-250। बस तेरा होना कितना चाहिए? 300-400 होते हैं। अच्छा, पूरा दिन में 400 हो गया तुम्हारा? क्यों कौन है वो मालिश करने? कभी आगे बैठता कभी पीछे बैठता है, या तो बदली करो लगाएगा उधर देखेगा। जगह है ना, लगा ना इधर 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 ही ऐसे गंदगी पे लगाएंगे तुम्हारा चलेगा धंधा? पहले झाड़ू लगाएंगे ऊपर नीचे। रुको, फिर आते घोड़े पे पहले? नहीं घोड़े पे नहीं, निकाल लो ना तुम, पहले निकाल लो ना। कौन है फिर? क्या को मत घोड़े पे नहीं, तू घोड़े पे आया हम लोग रहते ना अंदर अंदर बैठेगा आगे बैठा उबाल लेना एक दो किलो, नहीं तो चंदन का तेल ले ले, मेरे को 10-11 बजेगा। फटका देना आ राजू, फटका देने का इतना जागा तो किधर मकान में आसाम से आया लगता मॉर्निंग फ्रॉम बांद्रा तलाव। आई कम नॉर्मली ड्रेस्ड, द रीजन इज हैड टू गो टू द पासपोर्ट ऑफिस एंड विथ माई टर्बल एंड विथ माई इयर रिंग्स एंड विथ माई थिंग्स ऑन माई नेक, पीपल वुड थिंक आई एम सम टेररिस्ट और जेहादी, सो आई डिसाइडेड टू टोन डाउन माई ड्रेसिंग एंड नाउ आई एम एट बांद्रा तलाव विद कासिम भाई द ईयर थी।
I feel almost semi naked without my turban, without my paraphernalia that I wear. I don't have trousers, I don't have shirts, I don't have jeans. But I have this one shirt, a waistcoat and breeches that I bought in the passport office to get my passport renewed. 10 years I had my passport, but I've never been abroad. I have no love for going abroad. I prefer India. I want to live in India, I want to die in India. If I had money, then I would go to China and become a Shaolin monk at the age of 68. Not to learn Kung Fu or martial arts, just to get peace of mind. And discipline my volatile nature, my anger. I might go and stay for a few days in a Buddhist monastery. This is pretty low because of the rains. I did a film, the costumes, when the film got shelved. I'm going through really bad times. I'm just a comeback from Assam. I got to shoot the Kamakhya Mela, Kamakhya Ambubachi Mela. And here I must tell you, I know I shouldn't be talking much, but I must tell you, it was a Hindu gentleman who I met last year in Kamakhya, who paid for my ticket, flight ticket, who paid for my hotel stay, simply because of one reason. He said, you promote Hinduism as a message of peace. You are the only Muslim I've seen that wants Hindu-Muslim amity. I told him, beneath our skin, deep down, we are all human. I mean, being Hindu, Muslim, Christian, Jew, does not really matter. If you're not a good human being, then it is unnecessary being whatever religion you represent. So this is Kasim Bhai, let's get back to him. And this is, I'm in the rains, mind you. There's no business at all. A few days back, I met him at Jamaate Jamhuriya and he was in a very bad shape. This Kasim Bhai, I gave him some money. So he told me that day he had no money to eat food. And he said that you gave me money, I ate food. So this is it. Somehow we help each other. And having so much of money and not being able to help others, I think that is crazy. The most beautiful thing in this world is compassion. If you don't have compassion, your humanity, your religiosity, your spirituality is meaningless. Should feel. I know people who feed cats, who feed dogs, who feed crows, who feed birds, who feed ants. But do they really feed human beings? No, they don't care a shit for human beings. And this is what hurts me deep down. I do whatever I'm not showing off, I'm not boasting. I do help people, I help poor, I help beggars. But I don't want to blow my trumpet. I do it because God has given me one life. And if I can save other people's lives, why not? I don't want any award or reward. I don't even want to go to heaven. And I'm 72, nubile virgin. That is not my kind of religiosity. I'm not interested at all. I mean, this jihadi, killing people in the churches and destroying Sufi dargahs, Imam bargahs. This is not Islam. This is not the Islam that I believe in at all. My Islam is an Islam of peace and brotherhood, an Islam that respects every religion possible. I mean, I distance myself from any God that tells you to kill people. I mean, that cannot be a God. Because God created people, and He kills them through disasters or whatever natural causes. But we have no right to kill people. This is what I believe. And this is why the Muslims on YouTube, you know, the trolls, the YouTube trolls on my discussion tablet, they abuse my mother, my sister, my dead mother, mind you. And this is their Islam.
I have nothing against this, against them, but I, whatever I am, they want to know whether Sufis pray namaz. Who the hell are you to ask them? That's their problem. If they say namaz, don't say namaz. Who are you? Are you God's representative on earth? I am not a mullah. I am not a preacher. I am not a holistic healer. I don't believe in dua tabiz. I believe in God and He helps. When I'm falling down, sometimes... sometimes... I get up. And when I get up, I say, Ya Ali, mother. So I am what I am. I was born in a Shia mother's womb. I'm not going to forget that. That was my first step into spirituality. And because of her, and whatever you are, whether you're a Muslim or a Hindu or whether you're any community, if you don't have a good parentage and good upbringing and good education, I think your views, your ideology is all balls. This I will reiterate. I know this is not the platform to talk about my religiosity, but I'm sitting in the rains and these are the thoughts that are hitting me like raindrops. Ah. And this is Kasim Bhai. And I'm not... He has an umbrella, but if I hold the umbrella, I can't shoot this video. Karan, jaldi karan. And these are the people that have made me famous. The ear cleaners of Bandra Talao. Both Kasim Bhai, Nabi, Raju, Mehboob, and the guy who passed away, Chand Hussain. These are the people. And I told their story not because of the ear cleaning. I have no fetish for it. I only told their story because there was a fear of their being evicted from here. This Bandra Talao is being refurbished and it's going to be renovated. I don't know whether they will be here. And this is the last of the Bandra Talao ear cleaners. Once they are gone, they are gone. These are old guys. These are actually farmers, you know. They have their farms, but they want to supplement their income. Their children will never be ear cleaners. They're getting the children educated. This is the beauty of the ear cleaners of Bandra Talao. And I don't know one thing, I sometimes surprised about the YouTube. I have discontinued, disabled my comment box because I don't want to be abused. For what? I shoot with my camera, I shoot my time. And there is no agenda of hate. There is no animosity. So why should I be abused? You don't like what I shoot too bad. You don't see my videos. Just move on. But I'm not going to shoot what you shoot. You shoot nothing. You don't even have fucking original content. I shoot original content. I don't go to your channel. I don't shit on your channel's comment box. So why should you shit on my comment box? So the only place where they shit, and which is on my comments on review, is the discussion tab of YouTube. I could disable that, but I just kept it because I've got some good friends among these YouTube subscribers. So that is why I don't subscribe to those who subscribe to my channel, and I leave it to God. So I think I will. And the rain has not stopped. I'm coming here after almost 2 months. So thanks a lot to all of you. Take care. All the best. कसम भाई इससे पैसा मत लेना इससे पैसा मत लेना मैं दे दूँगा I told them not to take money from that guy. I will be paying for it. He's a jobless guy who's come from Uttar Pradesh, said seeking for a job in Mumbai. He's a tailor by profession. And so there are a lot of people coming to Mumbai
is the financial capital of India. Everybody comes here with a hope to make it big. My parents were migrants too. They lived in the slums of Kurla. They lived a very tough life. But they educated us. That is the most important thing. Because the essence of good living is education. They educated us and brought us this far. My brother is in Birmingham. All my brothers and sisters are well off, doing well for themselves. And happy to God that I'm able to shoot and tell stories of people that nobody shoots. I worked for Bollywood last 35 years. But I'd rather shoot the ear cleaners, beggars, vigidars, than shoot celebrities. Not interested. And for those who don't know me, my photography is totally non-commercial. It's a hobbyist. It's my way of contributing to this world I live in. My videography and the use of this camera is an education tool. Nothing more, nothing less. I basically shoot skillful hands, magical hands, humble hands. I just got Kasim Bhai, a model of Bisleri. It's raining today. That's the Talao. And this is, Assalamu Alaikum, the greatest Sufi saint of Mumbai. Bas, aapko dekhta hoon, maza aa jata hai. Coming here after a very long time. Topi utar do. I had an operation for my gallbladder removal. Coming after almost 2.5 months. And then I had a mild heart attack. So I stopped shooting videos. Today I had come to Hinduja Hospital Khar. But I'd come and say hello to the ear cleaners.
बैठ खाने बैठ खाने कर चिल्ला मत आराम से बैठा। अरे चिल्ला मत चिल्ला मत बैठ जा आराम से खाओ बैठो खाना
हो गया तेल लगा राजू माय बेस्ट फ्रेंड जस्ट फॉरगॉटन मी क्या राजू मेरे को भूल गया रे रे ऐसा लगता रे रे तो मेरे को भूल गया रे ये लोग बोला था फिर ठीक नहीं भाई को करके मैं बोला जाएगा हार्ट अटैक हो गया था मेरे को हाँ नहीं साइड में चेंबूर चेंबूर लोग बोला मेरे को अरे तुम कहाँ पूछेगा यार नहीं मैं आने वाला था घर पे लेकिन कौन सा टाइम पे रहता वही ब्लॉच है ना आने नीचे भी पुलिस लोग रहते हैं नहीं बट उन्होंने मेरा नाम ले लेगा ना वो दिन आया था ना नीचे तो बोला था सूरज भाई को घर पे सुबह के टाइम 11 बजे तक रहते हैं ना सो दिस इज द बांद्रा तलाव एंड दिस इज राजू माय वेरी गुड फ्रेंड आई नोन हिम फॉर मेनी इयर्स नाउ आई जस्ट कमिंग फ्रॉम हिंदुजा हॉस्पिटल आई हैड गॉन टू मीट माय कार्डियोलॉजिस्ट आई हैड अ हार्ट अटैक लास्ट मंथ एंड आई एम बीइंग treated by Dr. Srinik Mishra at Hinduja Hospital Khar. So I stopped here. अभी वो औरत लोग नहीं आते क्या वो कभी कभी आते कम नहीं आते ने कवरेज लड़की का डाला था ना हाँ फिर वो कैसे बन बोली वो बोली क्या नहीं नहीं मालूम ही नहीं तो क्या बोला ये उसको पूछ के डाला अभी किधर बाहर गए था भाई नहीं हॉस्पिटल गया ना हिंदुजा हिंदुजा में जाके हाँ मैं वहीं से आ रहा हूँ हार्ट का प्रॉब्लम है ना गोली चालू हाँ गर्मी में घूमा मत क्या करेंगे तुम्हारे को मिलने आया तुम थोड़ी मिलने तुम थोड़ी हमको पूछता है मैं आते रहेगा तो तुम्हारे लिए वो दवा रखेला मैंने उसको भी दे देना वो दवा का नाम है वो बहुत अच्छा दवा है कभी किसी को कान का प्रॉब्लम होएगा ना
तुम आना और उसको दे देगा मैं दवा, वो डब्बा है खाली। जिसका कान में प्रॉब्लम होता है ना वो दवा उसके लिए, तेरी वजह से फेंका नहीं मैंने रखे ला है। आपको डॉक्टर लिख के दिया था? हाँ। ये हमारे गांव में छोकरा लोग बहुत देखा मैंने, यहां आते फिर एड्रेस वगैरह डाला, मैं गए थे ना कुछ लोग फोन है, मैं बोला मेरे दोस्त है ना। फिर क्या बोले? बहुत मस्त बने वो भाई, मेरे घर बैठ रहा है। बेंगलुरु में एक लड़के कॉलेज पढ़ते, बेंगलुरु से आया था वो भी पता है। छोकर लोग अभी काम भी नहीं रहते ना, टाइम पास भी देखते रहते ना। इधर का क्या हाल है? इधर बहुत गंदगी हो गई, पानी बहुत गंदा है, बाहर मछली भी मर जाती होगी। वो औरत आती है जो मछली डालती थी अंदर, आते ना संचर संचर करते। कितने बजे आती हो? 12 बजे। सलाम अलैकुम भाई साहब। अभी नया साल का वीडियो है ना ये, अभी नया साल का है ना क्या? 2020 का ये। हाँ पहले सुनना था ना अपना फोन, ये अभी वीडियो बना रहे ना। मालूम नहीं आप क्या बोल रहे हैं, ये अभी 2020 का है ना, आज निकला वो उसका डाला था ना मैंने। क्या बोल रहे हैं? कल पूछ के गए खाना हो गया क्या? अब भी खा के बैठा हूँ, रात 10 मिनट हो गए मैं खा के। घर पे जा रहा है, टैक्सी से आया घर, टैक्सी पकड़ गया? नहीं रिक्शे में। रिक्शे किधर जाते हैं? हाँ मिलता है, रिक्शे नहीं है ना किधर? इंद्रदास कर दे। नहीं नहीं इधर, उधर से हो गया काम। ये वाला हिंदुजा कार का, कार का भी हिंदुजा है? हाँ। मैं सोचा माइम, नहीं नहीं माइम भी जाता हूँ, उधर भी जाता है इधर भी जाता। कार तो मैं देखा ना।
कसे मैं मुलुक नहीं गए क्या? किधर से ले भाई? धंधा पानी कैसे? उसका क्या हो गया तुम्हारा, क्या उसका महबूब का? हाँ बाबा, वो गाँव गया। अच्छा। आए थे ना बीच में 15 दिन तक। अच्छा, यहाँ से गाँव में रहते। अभी भाई क्या बोलते हैं? सबसे अच्छे लोग हैं नबी भाई। वो किसका टेंशन है? हाँ, कासिम भाई गुस्सा बहुत जल्दी कर हो जाता है। हाँ, बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम लोग को यार लाइसेंस नहीं दिया क्या? देना मांगते ना उन लोगों को। तुम लोग जो काम कर रहे हैं 40 साल से, तुम लोग को लाइसेंस देना मांगते हैं उन लोगों को, गवर्नमेंट को।
मोहर्रम है ना, मैं भी मोहर्रम में गया हुआ था 11-12 दिन पर। अच्छा हुआ मोहर्रम में। कसं काय बरं आहे ना? बरं आहे, आता इथे नाही मी। नाही तुम्ही होते ना, मी आलो होतो गावी आहे। अच्छा कधी गेले तुम्ही? आता 1.5 वर्ष झाले गावी। अच्छा इथं छोड दिया कशासाठी? नाही बोर्ड नाही लागत। तर गावामध्ये काय करतो तू? शेती, शेतकरी। आता मुली गावे चला जा मागून लक्ष गेलं तुमच्याकडे। आता राहायच्या कुठे? कुठं तुमच्या राहायच्या? कुठे मुलगी नाही घ्यायची? हा जाणार आहे मी आता जाणार। कधी जाणार? थोड्या 6 वाजता। तुझं गाव कुठे? बोर्डी कांचल। कुठे? कांचल। कांचल कोल्हापूर। कोल्हापूर कोल्हापूर नाही सोलापूर नाही हडप मोठा हडपचा उरण सोलापूर लांब राहील 300 किलोमीटर राहिलं मोठं।
गया ना। उसका ले ले जल्दी कर वो निकल जाएगा। देता हूँ सब घर में ठीक है। अभी कितने महीने के बाद आया? 12 महीने के बाद। हाँ देखा नहीं मैं तेरे को उधर। नहीं अच्छा अच्छा तो तेरा भाव है ना? नहीं नहीं खुल गए। हाँ माहिती है मला। हाँ तो झरी मरीची पालखी मध्ये नाही होता ना? नाही होता ना यंदा नव्हता गेल्या साली होता। माहिती आहे मला। जाते ना कुठे हाँ जातो। तुम्ही बंद केला ना? ते माझा गुरु आहे गुरु। मला माहिती आहे त्यांचे अंकल आणि माझ्या वडील मित्र होता माहिती आहे। शेट लय मस्त होता बाहेर शेट। अभी कब जा रहे हो मुलुक? नहीं ये मेरा दोस्त है। ये बहुत अच्छा आदमी है। क्या करेगा ये अकेला पड़ता है ना सब बच्चा पीछे मतलब चल विठा भाई पण मेली ना? त्याला काय झालं होतं? अच्छा त्याचा पोरा आहे ना तिथे बाजार रोड मध्ये माहिती आहे मला। भाऊ भी आहे मस्त। हॅलो
माझा मित्र आहे नबी भाई. नबी भाई कासम भाई हे पण मित्र आहे. ओळख हे पुरे वर्ल्ड में फेमस आहे. चॅटिंगला एक नंबर होता. आता कधी जाणार आहे शेतकरी? आता मी गेला होता. अभि जायगा मैं एक दो दिन के बाद. बोलो इसका तुम्हारा भाजीवाला मिला था. तुम जाके मिल के आओ ना उसको. ना अभी बहुत दिन नहीं गए. तो जाके मिल के आने का. अच्छा आदमी हो. है मालूम है मेरे को. बहुत बड़े आदमी है थे. अच्छे आदमी क्या बहुत बड़े आदमी. तुम आए नहीं घर पे यार. बाहर गए थे यार. एक्सीडेंट हो गया था ना. पैसा किधर है? पैसा तो बहुत लोचे हो गए. तुम लोग का धंधा कैसा? पूरा डाउन हो गया. 100-150 रुपये होने का मुश्किल हो गया. कोई आते नहीं. पुराना नोट कोई देता नहीं क्या? नहीं दे रहे ना. Oh,
दुकान के बारे में ఎక్కడ మరి ఇతని దినం రెండే ఇస్తారు ఏం పని చేస్తారు అప్పుడు కూరలే ఏం లేవుతారు రెండు రొట్టెలు ఇస్తారు ఏం పని చేస్తారు కంట్రోల్ మీద పొందాలి ఎవరైనా తింటాం మీరు ఎవరు మంచి కూడా ఉన్నాం గంట కొట్టి ఉంటాయి दो तीन दिन है क्या कुछ अंदर साहब खाना किधर खाते थे होटल में एक हफ्ते हो गए ना आए नहीं 15 दिन धंधा हुआ क्या अभी 60-70 रुपये का धंधा नहीं है भाई कोई आता नहीं है क्यों ये पैसा का ये हो गया जब से इसको कोई छुट्टा नहीं मिलता है ना बिना नोट तो चलता नहीं है 2000 का देगा तो कौन छुट्टा देगा नहीं देगा 500 रुपये का सामान लेगा तो भी 1500 किधर से लाएगा
गए घर पे। तुम उस दिन था नहीं जब मैं आया था? था ना। This is Raju and I was just talking to him and demonetization of notes of the old currency 500 and 1000 has hit him very hard. Since morning he has made about 60 rupees. So they're going through very tough times like all of us.